बाबा सिद्दीकी की सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएगा वो गैंगस्टर जो इन दिनों खूब सुर्खियों में है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आजकल देश भर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी की जुबान पर है, जो कि जेल में बैठे बैठे अपने दुश्मनों को ऊपर पहुंचाने की ताकत रखता है। उसे जानवरों से और अपने बिश्नोई समाज से बहुत प्यार है और साथ ही वो शहीद भगत सिंह को अपना आइडल मानता है। जिस गैंगस्टर का नाम लेते ही खालिस्तानियों के पसीने छूटने लगते हैं वो है लॉरेंस बिश्नोई। और इसी लॉरेंस बिश्नोई की लाइफ का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान। सलमान खान को जान से मारना ही अब इस गैंगस्टर का सपना बन चुका है और इसी वजह से आए दिन सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की तरफ से धमकियां मिलती रहती हैं। लॉरेंस बिश्नोई को अगस्त 2023 में सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल से साबरमती सेंट्रल जेल में भेजा गया था और अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लॉरेंस एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों में है। नवंबर महीने में यहां वोटिंग होनी है, उसके पहले गैंगस्टर लॉरेंस के नाम की चर्चा फिर तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को भी चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। जी हां दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के चुनाव लड़ने को लेकर काफी ज्यादा चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। खबरें हैं कि लॉरेंस अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव लड़ेगा और वो भी उसी विधानसभा सीट से जहां से बाबा सिद्दीकी चुनाव लड़ते थे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अभी के समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, क्योंकि अभी के समय लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं लॉरेंस के भाई यानी कि अनमोल बिश्नोई को भारत की एनआईए ने मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर दिया है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया है। लेकिन दूसरी तरफ जेल में बंद होने के बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग ने कई सारे लोगों की नाक में दम करके रखा हुआ है और उन लोगों में अभी के समय सलमान खान का नाम सबसे ऊपर आता है। और अब सलमान खान के लिए एक और काफी बड़ी बुरी खबर सुनने को मिल रही है, क्योंकि खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होने वाली है और लॉरेंस बिश्नोई अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाला है और जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई का महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे शॉकिंग खबर ये है कि महाराष्ट्र की एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी है, उस पार्टी के नेता सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई के नामांकन के लिए रिटर्निंग अफसर से एबी फॉर्म की मांग की है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यहाँ ये है कि जिस विधानसभा सीट के लिए लॉरेंस बिश्नोई के नामांकन के लिए एबी फॉर्म मांगा गया है वो विधानसभा सीट और कोई नहीं बल्कि वही सीट है जहाँ से बाबा सिद्दीकी चुनाव लड़ते थे। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग करने वाली खबर ये है कि इसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर सलमान खान रहते हैं और इसीलिए दोस्तों ये खबर सलमान खान और उनके फैंस के लिए काफी ज्यादा बुरी होने वाली है। बांद्रा वेस्ट की विधानसभा सीट के लिए उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी ने रिटर्निंग अफसर को जो लेटर लिखा है उसमें पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए एबी फॉर्म की मांग की है और उसी लेटर में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र भी किया है। दरअसल लेटर में कहा गया है कि हम अपने उम्मीदवार बलकरण बराड़ यानी लॉरेंस बिश्नोई को उम्मीदवारी फॉर्म जारी करने का अनुरोध करते हैं। और दोस्तों, जब से उत्तर भारतीय विकास सेना पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई के लिए नॉमिनेशन फॉर्म की मांग की है उसके बाद से ही इस चीज की तरफ इशारा हो चुका है कि शायद लॉरेंस बिश्नोई ने चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी है और इसीलिए ये खबर इस चीज की तरफ साफ इशारा कर रही है कि अब लॉरेंस बिश्नोई अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहा है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी तक ये भी साफ नहीं हुआ है कि चुनाव आयोग लॉरेंस बिश्नोई को एबी फॉर्म देगा या नहीं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो जेल में बंद है। हालांकि हमने ऐसा होते हुए भी देखा है कि कई बार ऐसे लोग भी चुनाव लड़ते हैं जिनके ऊपर घिनौने आरोप लगे होते हैं और उनपे कई सारे मुकदमे भी चल रहे होते हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। और अगर लॉरेंस बिश्नोई का नामांकन हो गया और लॉरेंस बिश्नोई चुनावों में उतर गया तो जिस तरीके से पब्लिक लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट दिखा रही है तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लॉरेंस बिश्नोई उस चुनाव को जीत भी सकता है।
और इसीलिए दोस्तों ये खबर सामने आने के बाद सलमान खान की टेंशन और उनकी जान को खतरा और भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा वो सीट है बांद्रा वेस्ट, जहां सलमान खान का घर है और इसी सीट से बाबा सिद्दीकी भी चुनाव लड़ते थे। इसीलिए दोस्तों अभी के समय लॉरेंस बिश्नोई ने पूरे देश को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि पहले तो लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को मरवाया और अब उन्हीं की विधानसभा सीट में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। और अगर लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़कर जीत जाता है तो ऐसे में या तो सलमान खान को बिश्नोई समुदाय से माफी मांगनी पड़ेगी, और अगर सलमान ऐसा नहीं करते तो उनकी जान को काफी बड़ा खतरा हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि सलमान खान के पिता सलीम खान पहले ही कह चुके हैं कि उनके बेटे ने किसी भी जानवर को नहीं मारा है, तो वो माफी क्यों मांगेगा, उसने तो आज तक एक कॉकरोच भी नहीं मारा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का ये मैटर इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है कि ये मैटर अब पीएम मोदी तक पहुंच चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिश्नोई समाज के लोग अब सलमान खान की फरियाद पीएम मोदी के पास लेकर पहुंच गए हैं। बिश्नोई समाज के लोगों ने पीएम मोदी से इस मामले को लेकर अपील की है। बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बिश्नोई ने पीएम मोदी और अमित शाह से, जो सलमान खान का कोर्ट में मामला चल रहा है उसको लेकर तेजी से सुनवाई करवाने की और जल्द से जल्द न्याय दिलवाने की मांग की है। अपने एक इंटरव्यू में देवेंद्र बिश्नोई ने कहा है कि सोमी अली के साथ उनका कोई भी संपर्क नहीं है। सोमी अली सलमान खान की तरफ से माफी नहीं मांग सकती, क्योंकि जिसने गुनाह किया है माफी भी उसी को मांगनी पड़ेगी। और जहां तक माफी की बात है तो अब तो सलमान खान के पिता ने ऐसा झूठ बोला है कि सलमान खान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तो ऐसे में अब तो सलमान खान को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये बात तो आपको भी पता होगी कि बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद बॉलीवुड के ऐसे कई सारे सितारे हैं जिन्होंने अपने आंसू बहाना शुरू कर दिए, और ज्यादातर जो सितारे हैं वो बाबा सिद्दीकी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी का अंत किया गया उसकी निंदा भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के शाहरुख खान और सलमान खान के अलावा संजय दत्त और उनके परिवार के साथ काफी अच्छे खासे रिश्ते थे, और दत्त परिवार के साथ बाबा सिद्दीकी के रिश्ते काफी ज्यादा पुराने हैं, और बॉलीवुड में बाबा सिद्दीकी के संबंधों की शुरुआत ही संजय दत्त के पिता यानी कि सुनील दत्त के साथ हुई थी। दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब थे। कहा जाता है कि सुनील दत्त बाबा सिद्दीकी को अपने बेटे की तरह मानते थे, और बाद में जब सुनील दत्त की मौत हो गई तो उनके जाने के बाद संजय दत्त और प्रिया दत्त, इन्होंने भी बाबा सिद्दीकी के साथ काफी अच्छे खासे संबंध रखे थे, और ये दोनों ही परिवार एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक थे। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में अक्सर दोनों परिवारों को एक साथ शामिल होते हुए भी देखा जाता था, और जब संजय दत्त आर्म्स एक्ट में फंस गए थे तो उस समय भी बाबा सिद्दीकी उस मुसीबत में संजय दत्त के साथ खड़े थे। और इसके बाद जब संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त की राजनीति में एंट्री हुई तो ऐसे में उस वक्त बाबा सिद्दीकी ने प्रिया दत्त की भी काफी ज्यादा मदद की थी, और इसीलिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की जानकारी मिलते ही संजय दत्त से लेकर उनकी बहन तक सब अस्पताल पहुंचे, और उनकी मौत से ये दोनों काफी ज्यादा गुस्सा भी हैं। संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा था कि वो बाबा सिद्दीकी की मौत से काफी ज्यादा खफा हैं, और जिन भी लोगों ने बाबा सिद्दीकी का अंत किया है उन तमाम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। खैर, इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।